यूपी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बाराबंकी में दो कार और एक ई रिक्शा की टक्कर में पांच लोगों की जान चली गई है, जिसमें छह लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य किए गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजकर भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि हादसा बढ़ूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर इनायतापुर गांव में सागर पब्लिक स्कूल के पास हुआ, जहां देर रात एक कार और एक ई रिक्शा में तेज टक्कर होगी। इसी दौरान दूसरी कार भी आकर इन दोनों वाहनों से टकरा गई, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी एक ही परिवार के लोग थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के बाद रोड से निकले दूसरे कई वाहन घायलों को रौंदते हुए निकल गए, जबकि एक कार पास के तालाब में जाकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि दो कार और ई रिक्शा में भिड़ंत हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल तड़प रहे थे। एक कार सड़क के बगल तालाब में जा गिरी थी, जिसे रेस्क्यू करके निकाला गया है। गंभीर लोगों को सीधा जिला अस्पताल भेजा गया। देवा, बढ़ूपुर, कुर्सी, फतेहपुर, जहांगीराबाद और सतरीख थानों की पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, घटनास्थल तक वहां पहुंची, लोगों की स्थिति को देखा। बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि तीन वाहन हादसाग्रस्त हुए, जिसमें पांच लोगों की मौत हुई है। घायलों में तीन की हालत अभी गंभीर है। तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी मृतक कुर्सी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरा गांव के निवासी है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि लगातार रफ्तार का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। इस प्रकार से रोड पर हादसे लगातार जानलेवा हो रहे हैं। प्रशासन को भी ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है। कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे दो कार और एक ऑटो की तीन गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद में। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी, सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे। इसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक बरना का ड्राइवर थे, जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट गए लखनऊ, और जो हम लोगों ने इनको रेफर किया तत्काल आसपास के CHC पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। तो वहाँ CHC पे दो लोग डेथ हो गई और तीन लोग जो यहाँ पर दौड़ने गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, यानी कुल 5 लोगों की डेथ हो गई है और तीन लोग अभी चिकित्सा, दो लोग सीरियस हैं, जिसमें 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं।